السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، معزز ومكرم ناظرين وسامعين، दो हफ्ते के लिए मसरूफियत की बिना पर दर्स नहीं हो पाया था। आज से दोबारा दर्स का आगाज़ किया जा रहा है, और आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिस सिफत को हम पढ़ेंगे वो इससे पहले भी उन सिफतों का तस्करा हो चुका है, लेकिन चूंकि वो दोनों सिफतें बड़ी अहम हैं इसलिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा उन दोनों सिफतों के दलाइल कुरान से पेश किए हैं। और दोनों सिफतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का सुनना और देखना, अल्लाह के लिए समा और बसर, सुनना और देखना। मुसन्निफ ने यहाँ पर सात आयतें बयान की हैं, वैसे बहुत सारी आयतें हैं कुरान करीम की जो अल्लाह ताला की इन दोनों सिफात को साबित करती हैं, लेकिन मुसन्निफ ने सात आयतें यहाँ पर बयान की हैं, और उन सात आयतों को आज के दर्स में इंशाअल्लाह इख्तसार के साथ, क्योंकि अगर हम तफसील पेश करें तो हर आयत पर एक दर्स भी नाकाफ़ी हो जाएगा, इसलिए इख्तसार के साथ इन आयतों की तफसील और उसका माना और मतलब आपके सामने बयान करते हुए इन सिफात का हम तस्करा करेंगे। सबसे पहली आयत जो मुसन्निफ ने यहाँ पर पेश की है वो सूरह मुजादला की आयत, पहली आयत है सूरह मुजादला की पहली आयत। अल्लाह ताला के इरशाद है, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير। इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यकीनन उस औरत की इल्तिजा और उसकी गुफ्तगू सुन ली, उसकी बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी, जिदाल कर रही थी या तकरार कर रही थी। वल्लाह यस्मा व तहावरकुमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, यानी उस औरत की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन रहा था। इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। तो इस आयत करीमा से अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये दो सिफत साबित होती है, एक तो सुनने की सिफत और दूसरे देखने की सिफत। ये आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाक़े की तरफ इशारा किया है, उस वाक़े को बयान किया, और वाक़ा यह है कि एक खातून है सहाबिया जिनका नाम था खौला बिनत हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके शौहर ने उनसे ये कह दिया, और उनके शौहर का नाम था औस बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने ये कह दिया कि अंत अलैया का दहर उम्मी, कि तुम मेरे ऊपर मेरी माँ की पीठ की तरीके से हो, यानी गोया कि उन्होंने अपनी औरत को अपने ऊपर हराम कर लिया। इसी को जिहार कहा जाता अरबी जबान में। ज़माने जाहिलियत में अगर कोई शौहर अपनी बीवी से ये कह देता तो इसका मतलब ये होता था कि वो औरत उसकी ज़ौजियत से अलग हो गई, तलाक़ बाईं, जुदा हो गई हमेशा के लिए। जब उनके शौहर ने बात कह दी तो इस्लाम के अंदर इसके ताल्लुक से कोई हुक्म नहीं आया था कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से ऐसा कहता है कि तुम्हारी पीठ मेरे लिए मेरी माँ की पीठ जैसी है तो उसका क्या हुक्म है शरीयत के अंदर, इसका कोई हुक्म शरीयत के अंदर नहीं आया था। और अल्लाह के रसूल के पास दौड़ते हुए आई और कह लेंगे मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर ने ऐसी बात कह दी है, अगर मैं उनसे अलग हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे रहने लगेंगे, फ़क्र फाका करेंगे, कोई कमाने वाला नहीं है, और अगर मैं अपने बच्चों को उनके साथ छोड़ देती हूं तो मेरे बच्चे ज़ाय और बर्बाद हो जाएंगे, वो शादी कर लेंगे, मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। अल्लाह के रसूल के पास दौड़ते हुए आई और इस वाक़े को उन्होंने बयान किया और हमारे नबी से तकरार की और बातचीत की। तो इसी वाक़े की तरफ यहाँ पर इशारा किया गया है। इस्लाम के अंदर उसका हुक्म यह है
कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से कह देता है तो उसके ऊपर कफारे मुगल्लजा आयद होता है। कफारे मुगल्लजा ये है कि ये गर्दन आज़ाद करना बीवी के पास जाने से पहले, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बात कह दी, हराम बात कह दी, गलत बात कह दी, इसलिए तलाक तो नहीं होगी, बीवी उससे अलग नहीं होगी, जुदा नहीं होगी, लेकिन उसको कफारा देना पड़ेगा। कफारा क्या है? कफारे मुगल्लजा, बड़ा सख्त कफारा। और कफारा ये कि गर्दन आज़ाद करना, गुलाम आज़ाद करना। अगर इसकी ताकत नहीं है तो फिर 60 दिन लगातार रोज़े रखना, 60 दिन लगातार, नागा नहीं कर सकते, लगातार रोज़े रखना 60 दिन। अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। ये तीन सज़ाएं उसके लिए रखी गई हैं, गर्दन आज़ाद करना, गर्दन का दौर तो ख़त्म हो गया है, और अब उसके बाद क्या दो चीज़ें बचती हैं। पहली चीज़ ये होगी कि 60 दिन का रोज़ा लगातार रखना, नागा नहीं करना बीच में, क्योंकि उसने बड़ी बात कह दी है। जिस औरत को अल्लाह ने निकाह के ज़रिए उसके लिए हलाल कर दिया था उसको हराम कर रहा है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये मामूली जुर्म नहीं है, ये हलाल चीज़ को हराम कर लेना। इसलिए सख्त सज़ा दी गई ऐसे शख्स को कि इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ उसको करना है। 60 दिन लगातार रोज़े रखना, अगर इसकी ताकत नहीं है तो ऐसी सूरत में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, तब जा करके वो बीवी के पास जा पाएगा। जहाँ तक खाना खिलाने की बात है तो उसके लिए ये शरीयत ने नहीं कहा है कि जब तक वो खिला नहीं देगा अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता, लेकिन इन दोनों चीज़ों के बारे में कहा है। गर्दन आज़ाद करना, अगर कोई गर्दन आज़ाद करना चाहता है था, अब तो दौर ख़त्म हो गया है, तो जब तक वो गर्दन आज़ाद नहीं कर देगा बीवी के पास जाना उसके लिए हलाल नहीं होगा। या 60 दिन रोज़े जब तक नहीं रख लेगा, अगर कोई आदमी रोज़ा रखना चाहता है तो पहले 60 दिन रोज़ा रखे उसके बाद बीवी के पास जाए। लेकिन जहाँ खाने की बात अल्लाह ने बयान की वहाँ ये नहीं कहा कि पहले उसको खाना खिलाना तब बीवी के पास जाना। इससे उलमा ने इस्तदलाल किया है कि अगर आदमी खाना खिलाना चाहता है तो बीवी के पास जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। तो ये कफारे मुगल्लजा है, और यही कफारा अगर कोई आदमी रमज़ान में दिन में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लेता है तो उसके लिए भी यही कफारा आयद होता है। गर्दन आज़ाद करना या लगातार 60 दिन का रोज़ा रखना, क्योंकि वहाँ भी क्या है, वहाँ एक हराम चीज़ को उसने अपने लिए हलाल कर दिया है। ज़िहार में क्या, हलाल को उसने हराम कर दिया। रोज़े की हालत में अल्लाह ने बीवी के पास जाने से मना किया दिन में, रात में इंसान अपनी बीवी के पास जा सकता है लेकिन दिन में जाने से मना कर दिया गया, हराम है वो। अब वो बीवी के पास अगर जाता है तो गोया कि हराम चीज़ को हलाल कर रहा है। ज़िहार में हलाल को उसने हराम किया और यहाँ उसने हराम को हलाल कर दिया, इसलिए दोनों का शरीयत के अंदर हुक्म एक ही है, दोनों संगीन जुर्म है। हलाल और हराम करने का अख्तियार अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। बड़े जुर्म का इर्तकाब किया दोनों सूरतों में, इसलिए उसके ऊपर बड़ा जुर्म और बड़ी सज़ा आयद होती है जो यहाँ बयान किया गया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा में उसी वाक़े की तरफ इशारा किया है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि वो जब खातून आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरार कर रही थी कि भाई क्या होगा हमारे लिए, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, अगर मैं बच्चों को ले आऊं और ये तलाक हो जाए, मैं उससे अलग हो जाऊं तो हम फ़ख्र व फाका की कैफियत में मुब्तला हो जाएंगे, कोई कमाने वाला नहीं है, और अगर मैं बच्चों को छोड़ देती हूँ और ख़ुद में चली आती हूँ उसकी ज़रूरत से अलग हो जाती हूँ तो हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो शादी कर लेंगे, दूसरी बीवी आएगी, हमारे बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी। वो तकरार कर रहे थे, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं उनकी पूरी बात नहीं समझ पा रही थी, उसी रूम के अंदर उसी घर में ये बात हो रही है। इसलिए हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बड़ी ज़ात है, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अर्श पर है उसने उनकी तमाम बातें सुन ली, लेकिन मैं उसी रूम के अंदर रहते हुए सारी बातें मैं नहीं सुन सकी और सारी बातें मेरे ऊपर यानी वाज़े नहीं हुई। अल्लाह ताला की ज़ात कितनी अजीम ज़ात है, कितनी बड़ी ज़ात है,
किस कदर सुनने पर कादिर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, इससे क्या साबित हुआ कि अल्लाह ताला सुनने वाला है, देखने वाला है। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह समीउ बसीर, अल्लाह सुनने वाला देखने वाला। अल्लाह ने सुन लिया अर्श पर होते हुए इस औरत की गुफ्तगू को, नबी की गुफ्तगू को। वल्लाह यस्माउ तहावुरकुमा, अल्लाह ने तुम दोनों की बात को सुन लिया, गुफ्तगू को सुन लिया अर्श पर अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन अल्लाह ताला से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, अगर कोई चींटी चलती भी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सुनता है, उसके चलने की आवाज़ को सुनता है। हम नहीं सुन सकते लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। तो इससे अल्लाह ताला के सुनने और देखने की सिफत साबित होती, जो बहुत अजीम सिफत है। क्योंकि हकीकी मानों में अगर इन दोनों सिफतों पर हमारा ईमान हो जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। इंसान ज़ुबान से ऐसी कोई बात नहीं निकालेगा जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर देने वाली हो। इंसान कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर देने वाला हो, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। जैसे इंसान किसी बड़े आदमी के सामने कोई गलत काम नहीं करता, ऐसे अगर ये हकीकी मानों में सिफत हमारे अंदर पैदा हो जाए तो इंसान इस रूए ज़मीन पर कभी गुनाह नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है। अगरचे कोई ना देखे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ देख रहे, कोई हमारी बात सुने ना सुने, तन्हाई में है, खलवत में है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बात को सुन रहा अर्श पर होते हुए। ये दोनों बड़ी अजीम सिफत हैं, हमारे ज़िंदगी में इनकलाब बरपा कर देने वाली, हमारे आमाल को दुरुस्त कर देने वाली, गुनाहों से हमें बचा देने वाली दो अजीम सिफतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, सुनने और देखने की। तो अल्लाह ताला सुनता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। आइए दूसरी आयत पढ़ते हैं। दूसरी आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की यह है कुरान करीम की, नक़द समी अल्लाह क़ौल लदीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम घनी हैं। किसने कहा था? यहूदियों ने कहा था। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब यह हुक्म दिया कि कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे, तो कहने लगे कि अल्लाह फ़कीर हमसे कर्ज मांगता है, अल्लाह ताला हमसे कर्ज मांगता है, अल्लाह फ़कीर हम मालदार हैं, हम अग़निया हैं। अल्लाह पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, हालांकि इंसान के पास जो भी रिज़्क है, चाहे वो माल की शक्ल में हो, औलाद की शक्ल में हो, मनसब की शक्ल में हो, जायदाद की शक्ल में हो, सेहत व तंदुरुस्ती की शक्ल में हो, दुनिया का कोई भी रिज़्क हो, दुनिया की कोई भी नेमत हो, वो सब अल्लाह ताला ही की तरफ से है, अल्लाह ही रज़ाक है, अल्लाह ही रिज़्क देने वाला। इन यहूदियों के पास जिन्होंने बात कही, उनके पास भी जो माल था, जो रिज़्क था, अल्लाह ताला ही का दिया हुआ था। लेकिन ये सरकश कौम थी और ये इंतहाई उजड़ कौम, ज़ालिम कौम थी। इन्होंने ये कहा कि अल्लाह फ़कीर और हम मालदार हैं, अल्लाह हमसे कर्ज़ हसना मांगता है। हालाँकि अल्लाह ताला का मतलब ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, गरीबों पर खर्च करो, यतीमों पर खर्च करो, खैर के कामों में खर्च करो, ये कर्ज़ हसना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में, और जो है अपना माल जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है या जो भी रिज़्क अल्लाह ने दिया उसको खर्च करो। तो ये समझते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मांगता है, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला तक हमारा माल नहीं पहुँचता है, हमारा जो हम कुर्बानी करते हैं उस कुर्बानी का गोश्त और उस कुर्बानी का खून अल्लाह ताला का तक नहीं पहुँचता है। लन यनाला लहू मुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहू तक़्वा मिनकुम, तुम्हारे कुर्बानियों का गोश्त और उसका खून अल्लाह ताला तक नहीं पहुँचता। इंसान का तक़्वा पहुँचता है, अल्लाह ताला तक दीनदारी पहुँचती है। आपका दिल में क्या है, इखलास है, क्या है रियाकारी है, ये अल्लाह ताला देखना चाहता है। गोश्त तो हम खा लेते हैं, गरीबों में तकसीम कर देते हैं, खून ही रह जाता है, माल भी गरीबों पर खर्च कर देते हैं, अल्लाह के दीन के नशोनशात के लिए खर्च करते हैं। क्या वो माल रुपया और डॉलर और पैसे और सिक्के अल्लाह ताला तक जाते हैं? नहीं, नहीं पहुँचता अल्लाह ताला तक। आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला आपको उस पर अजर देता है और सवाब देता है। तो ये कहते थे अल्लाह फ़कीर है और हम अग़निया और मालदार, हालांकि हम सब फ़कीर हैं, अल्लाह ताला ही गनी है, अल्लाह ताला के हम सब मोहताज हैं। तो यहाँ भी अल्लाह ने क्या फरमाया, लक़द समिअ अल्लाह, अल्लाह ने उन लोगों की बातों को सुन लिया। देखिए, सुनने के लिए कान का होना ज़रूरी नहीं है। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला सुनता है, अकीदा नहीं कि अल्लाह ताला के पास कान है। अल्लाह ने अपने बारे में आँखों का जिक्र किया कि अल्लाह ताला के पास दो आँखें हैं, इससे पहले बहस और ये मामला
ये मसला मैंने तफसील के साथ बयान किया, आयतें भी बयान की, हदीसें भी बयान की, लेकिन सुनने के लिए कान का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कान का जिक्र ना कुरान में ना हदीस के अंदर है। लिहाजा कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए कि हम अल्लाह के बारे में अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला के पास कान, नऊज़ बिल्लाह, हम ये अकीदा नहीं रखते। अगर कोई कहता है वो जाहिल है और इस तरीके से बदअकीदा इंसान है, अगर ये कोई अल्लाह ताला के लिए कान को साबित करे, अल्लाह के लिए कान नहीं, कान का जिक्र नहीं आता। जैसे अल्लाह ताला कलाम करता है, कलाम करने के लिए ज़बान का जिक्र अल्लाह ताला के लिए नहीं है, अल्लाह कलाम करता लेकिन ज़बान का जिक्र ना कुरान के अंदर ना हदीस के अंदर है। कलाम करने के लिए ज़बान का होना ज़रूरी नहीं है कि ज़बान होनी हो तभी बात हो सकती, नहीं। क़यामत के दिन हमारे हाथ बोलेंगे, हमारे पांव बोलेंगे, क्या वहाँ पर ज़बान होगी? नहीं, अल्लाह ने उनको ताकत दे दी। ज़मीन क़यामत के दिन बात करेगी, योम दिन तो हदीसो अखबार रहा, सूरह ज़लज़ला में अल्लाह ने फरमाया ज़मीन क़यामत के दिन सब राज उगल देगी, सारे ख़बरों को बता देगी, तो हदीसो बात करेगी, अल्लाह ताला से बताएगी ज़मीन फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ वक्त ज़मीन पर ये गुनाह किया था, वो ज़मीन बता देगी। तो क्या ज़मीन के अंदर ज़बान आ जाएगी? नहीं, बात करने के लिए ज़बान ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मैं उन पत्थरों को जानता हूँ जो मुझे नबूवत से पहले भी सलाम किया करते थे, तो क्या उन पत्थरों के अंदर ज़बान आ गई थी? नहीं, अल्लाह उनको बोलने की ताकत दे दी। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बनाने से पहले एक खजूर की टहनी थी, उसको पकड़ करके आप खुतबा दिया करते थे, जब आपने उस खजूर की टहनी को छोड़ दिया और मिंबर आपके लिए बना दिया गया, वो खजूर की टहनी रोने लगी। हदीस के अंदर आता, ऐसी रोती थी जैसे हंडी पकती है चावल की आग पर तो पकने की आवाज़ आती, ऐसी उसे आवाज़ आती थी। हमारे नबी ने अपना हाथ रखा तो जा करके वो ठहर गई। वो तो क्या उस खुश्क और सूखी टहनी के अंदर ज़बान आ गई थी? हमारी तरह ज़बान नहीं, इसलिए बात करने के लिए ज़बान का होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए अल्लाह के बारे हमारा अकीदा कि अल्लाह कलाम करता है लेकिन ज़बान का अकीदा नहीं रखते। अगर कोई अकीदा रखता है कि अल्लाह के पास ज़बान है, हलक है, वो बदअकीदा इंसान है, वो हमारा अकीदा और मनाज नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लिहाजा ना समझे कि हम ये कहते हैं अल्लाह ताला सुनता है तो अल्लाह ताला के पास कान भी नहीं। हम अल्लाह के लिए कान का अकीदा नहीं रखते, क्योंकि कान का जिक्र ना कुरान में ना हदीस के अंदर है। ठीक है जी हाँ, तो इस आयत से क्या साबित हो कि अल्लाह ताला सुनता है? लक़द समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया, लक़द तहकीक दर तहकीक बिला शुबे, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं कि अल्लाह ने बात सुन ली तुम्हारी। तभी अल्लाह ने इस आयत को नाजिल किया, सुनने के बाद ही तो नाजिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सौरत की गुफ्तगू सुन लिया, हौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में हुक्म नाजिल किया कि अगर कोई ज़िहार कर ले तो उसका हुक्म क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई अपनी बीवी से बात कह दे तो उसको क्या कफ़ारे में देना पड़ेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत के अंदर इसको नाजिल फरमाया, कुरान के अंदर अल्लाह ने सुना तभी तो नाजिल किया ना। जी हाँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाले। तीसरी आयत क्या है? अम यहसबूना अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम बला व रुसुलुना लदैहिम यक्तुबून, ये सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है। क्या उनका ये ख्याल है, क्या वो ये समझते हैं कि हम उनकी राजों को और सरगोशियों को नहीं सुनते हैं? सब कुछ सुनते हैं, उनकी सरगोशी भी सुनते हैं, उनके दिल के अंदर जो राज है जो छुपा हुआ उसको भी हम सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं। बला ज़रूर बज़रूर, क्यों नहीं, हम ज़रूर सुनते हैं। रुसुलुना लदैहिम यक्तुबून, उनके पास हमारे फरिश्ते हैं जो उनकी बातों को, उनके आमाल को लिखते रहते हैं। फरिश्ते भी मौजूद हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और हमारे तरफ से फरिश्ते भी मौजूद हैं जो फरिश्ते उनके आमाल को लिख रहे हैं और उनकी जो ज़ुबान से आवाज़ निकलती है उसको भी दर्ज कर रहे हैं। एक रजिस्टर तैयार हो रहा है, ऐसा रजिस्टर कि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि इसमें हर छोटी और बड़ी बात दर्ज की जा रही है, वो सारे फरिश्ते सारी बातों को लिखते जा रहे हैं। एक रजिस्टर हमारा तैयार हो रहा है कि नहीं है? जैसे रजिस्टर होता है दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला रजिस्टर तैयार कर रहा है। वो रजिस्टर क्या है? हमारे सारे आमाल लिखे जा रहे हैं, बदी के भी और नेकी के भी सारे आमाल, छोटे बड़े सब कुछ लिखे भी जा रहे हैं, और इंसान जहाँ जहाँ गुनाह करेगा वो सारी जगहें क़यामत के दिन गवाही भी देंगी।
इंसान का हाथ भी, पांव भी, ज़मीन और चमड़े भी, सब क़यामत की दिन गवाही देंगे। इंसान को अख्तियार नहीं होगा, इनकार नहीं कर सकता कि मैंने तो नहीं किया था, नहीं कह सकता। इतना सबूत पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बामीन किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। सब हाजिर कर देगा कि देखो फ़ला टाइम, फ़ला वक्त, रात की तन्हाई में, फ़ला ज़मीन, फ़ला मुल्क पर, फ़ला इलाके में तुमने गुनाह का काम किया था। कुछ नहीं इंसान कर सकता। ज़मीन गवाही देगी, उसके हाथ पांव गवाही दे देंगे, कुछ नहीं कह सकता इंसान। इतने सारे सबूत मुहैया कर दिए जाएंगे अल्लाह ताला की तरफ से, ताकि कोई ना कहे कि मेरे पर जुल्म कर दिया गया। उमा रब्बु का बेदल्ला मिन अलाबीद, अल्लाह रब्बामिन तुम्हारा रब किसी भी बंदों पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं है। हमारे पास कुछ शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इतराज़ नहीं कर सकेंगे, इनकार नहीं कर सकेंगे। इतने सारे सबूत और गवाह हमारे सामने अल्लाह ताला करके खड़ा कर देगा। इसलिए अल्लाह ताला से डरना चाहिए। ये जो सिफतें हैं उसका फ़ायदा यही है कि अगर हमारा ईमान हो जाए यकीन, ऐनुल यकीन की हद तक, तो इंसान बुराई नहीं करेगा, अल्लाह ताला की नेकी, अल्लाह की नेकी करेगा। और अगर कभी शैतान के वाकाओ में आ जाए, फौरन तौबा कर लेता है, अल्लाह सुन जो है तौबा कबूल करने वाला है। तो इस आयत करीमा से भी साबित हुआ कि अल्लाह रब्बामीन सुनता है, हमारी सरगोशी को जानता है, हमारे दिल के अंदर जो राज है, हमारे दिल के अंदर क्या है, वो भी अल्लाह जानता है। दिल के सारे बीमारियों से अल्लाह रब्बामीन वाकिफ है। हमारे दिल में अगर हसद है, बुग्ज़ है, अदावत है, नफ़रत है, या नेकियां है, ईमान है, अल्लाह पर यकीन है, यौम आखरत पर ईमान और यकीन है, जो भी दिल के आमाल हैं, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बामीन बाखबर है उन तमाम चीज़ों से। चौथी आयत, इन्नी मअकुम अस्मऊ व अरा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हस्ते मूसा और हारून के बारे में फरमाया कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम दोनों के सुनता हूँ और देखता हूँ। यानी जाओ फिरौन के पास, घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब चीज़ों के बारे में इल्म है, मुझे मालूम है कितना सरकश है, ज़ालिम है वो फिरौन, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ। और जब मईयत दो तरह की होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मईयत है दो तरह की है। एक मईयत ये है कि अल्लाह रब्बामीन निगरानी कर रहा सबकी, सबके साथ, हर मखलूक के साथ अल्लाह की निगरानी, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कुदरत, ये निगरानी, ये मईयत आम्मा है सबके साथ। और एक मईयत खासा जो अहले ईमान के साथ, और मईयत खासा का मतलब ये कि अल्लाह ताला की नुसरत और मदद होती है, अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। यानी जब अल्लाह ताला कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुत्तकीन के साथ हूँ, नेक लोगों के साथ हूँ, अल्लाह ने कहा जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या मतलब इसका, यानी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारी नुसरत करूँगा, तुम्हें ज़ाया नहीं करूँगा, तुम्हें बर्बाद नहीं करूँगा, तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ दूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा मैं, अगर कुछ उसकी तरफ से जुल्म होता है तो। जो अहले ईमान हैं उनके साथ अगर मईयत का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला की नुसरत, ताईद और मदद और हिमायत। और अगर आम है ये तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला सब की निगरानी कर रहा है, अल्लाह के इल्म से, उसकी कुदरत से कोई बाहर नहीं है, अल्लाह रब्बामीन की पकड़ से कोई बाहर नहीं है, सबको बारे में अल्लाह ताला जानता है, हर एक के बारे में, हर मखलूक के बारे में अल्लाह ताला इल्म रखता है, मरना जीना उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म के और उसके हुक्म के बगैर कोई चीज़ नहीं होती है। तो अल्लाह ताला हमारे साथ है, मतलब ये है कि अहले ईमान के साथ है मदद के लिहाज से, और आम मखलूक के साथ है निगरानी और कुदरत और इल्म के लिहाज से। वरना अल्लाह ताला की ज़ात कहाँ है, अर्श पर है। अल्लाह हर की ज़ात हर जगह नहीं है, कुफ्र और शिर्क का अकीदा है। अगर कोई अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह, जो ये अकीदा रखते हैं कुरान की नहीं आयतों से जिन्होंने दलील दी कि अल्लाह ताला हमारे माकुम तुम जहाँ कहीं रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इस आयत का मतलब क्या समझा हमारे नबी ने, सहाबा ने, सलफ़ सालहीन ने, अइमा ने, ये कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है इल्म के लिहाज से, कुदरत के लिहाज से। वरना अल्लाह ताला की ज़ात तो अर्श पर जलवा फरोज, वरना अगर अल्लाह ताला हर जगह होता तो फिर मेराज का वाक़िया पेश आने की क्या ज़रूरत थी। हमारे नबी कहाँ ऊपर तशरीफ़ ले गए थे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए। अगर अल्लाह ताला हर जगह है तो फिर मेराज का वाक़िया क्यों पेश आया। लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह, अल्लाह हर जगह नहीं, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह रब्बुल की ज़ात अर्श पर है। अल्लाह ने कुरान ऊपर से नाज़िल किया, जिब्रील अमीन ऊपर से कुरान क्या आते हैं लेकर के, वही लेकर के आते थे। हमारे अमाल ऊपर पेश होते हैं, हम सबको ऊपर जाना, जन्नत ऊपर है, ठीक है।
इसे अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह नहीं, अल्लाह ताला अपने इल्म के लिहाज से, कुदरत के लिहाज से हर जगह है, और उसके इल्म और कुदरत से कोई चीज़ खाली नहीं है, कोई चप्पा खाली नहीं है, लेकिन उसकी ज़ात अर्श पर जलवा फरोज़ है। पांचवी आयत ये है, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानता कि यकीनन अल्लाह ताला देखता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब धमकी के तौर पर कह रहा है ताकि लोग के अल्लाह ताला की अज़मत उनके दिलों के अंदर पैदा हो और इंसान बुराइयों से दूरी अख्तियार करे। ये आयत उस शख्स के बारे में नाजिल हुई है जो कुछ लोगों ने कहा कि अबू जहल के बारे में, ये आयत करीमा जो सूरह अलक यानी जो पहली जो सूरत नाजिल हुई उसकी पाँच इब्तदाई आया सूरह अलक या सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसी में अल्लाह ने फरमाया कि अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या उसको नहीं मालूम कि अल्लाह ताला देख रहा है। जी हाँ, जो सरकशी कर रहा है, जुल्म ज़्यादती कर रहा है, नबी पर ज़्यादती कर रहा है, तो क्या उसे नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है उसकी सारी हरकतों को, सारे आमाल से अल्लाह ताला बाखबर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वईद के तौर पर ही बात बयान की है। पाँचवीं आयत जो छठी आयत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के बारे में फरमाता, अल्लज़ी यराक हीना तक़ूम व तकल्लुबुका फ़ी साजदीन इन्नहु समीउल अलीम, ये सूरह शोरा की आयतें हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो आपको जब आप खड़े होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देखता है, यानी नमाज के लिए खड़े होते हैं, तहज्जुद के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देखता है। वो तकल्लुब का फ़ी साजदीन, और जो नमाजी हैं सजदा करने वाले हैं उनकी नशिस्त और बर्खास्त को भी अल्लाह ताला देखता रहता है, यानी उनके दरमियान आपका उठना बैठना, उन लोगों का उठना बैठना, चलना फिरना, हरकत करना जो अहले ईमान हैं, मुत्तकीन हैं, परहेजगार हैं, उनके उठने बैठने को, उनकी हरकत को, तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, अहले ईमान के भी और जो गुनाह करता उनके भी उठने बैठने को, हरकत करने को अल्लाह ताला देखता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, इन्नहु समीउल अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला और जानने वाला है। तो इस आयत करीमा से भी अल्लाह के देखने की सिफत मालूम होती है, सुनने की सिफत मालूम होती है। सातवीं आयत जो आखिरी आयत है इस मौजू के हवाले से जो मुसन्निफ ने बयान किया है, वैसे कुरान के अंदर बहुत सारी आयतें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सिफात के बारे में बयान की, वकुल अमलु फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलहु वल मुमिनून, कि अल्लाह ताला कह रहा है कि इनसे कह दो, अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहा है कि इनसे कह दो कि अमलु तुम जो कुछ भी करो, कुछ भी करो तुम, फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमल से बाखबर है, वह अनकरीब देख लेगा, वो रसूल और उसके रसूल भी देख लेंगे, वल मोमिनून और मोमिनून भी देख लेंगे। ये आयत करीमा दरअसल मुनाफिकों के बारे में नाजिल हुई है, जो मुनाफिकीन थे नबी के ज़माने में, जो वहाँ नबी को ईज़ा पहुँचाते थे और तकलीफ़ पहुँचाते थे और बुरे बुरे बहाने करते थे, जंग में ना जाने के बहाने उज़्र तलाश करते थे कि हमारे साथ ये है, फ़लाँ चीज़ है, बीवी बीमार है, ये है फ़लाँ चीज़, हम में बीमार था, ये चीज़ लगी हुई है, तो मुख्तलिफ़ आज़ार और बहाने बयानते थे। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा, उनसे कह दो ये मनो तुम जो कुछ भी करो, कुछ भी करो, अल्लाह ताला की तरफ से वाइद है, ये अल्लाह की तरफ से एक धमकी के तौर पर है कि कुछ भी करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तुमको हाजिर होना है, और उस दिन सारे आमाल सबके सामने होंगे, इंसान जो भी कर रहा है, हत्ता कि इंसान के दिल के अंदर जो चीज़ें मख्फी हैं, जो अदावत और दुश्मनी इंसान के दिल के अंदर पोशीदा है, वो भी क़यामत के दिन सब हाजिर कर दिया जाएगा, कोई चीज़ वहाँ पर राज नहीं रह जाएगा क़यामत के दिन। नहीं, हमारे दिल में अगर हमारे किसी भाई के ख़िलाफ़ अदावत है, हिक्द है, कीना और कपट है, और हमने उसको ज़ाहिर नहीं किया अपने भाई के ऊपर, क़यामत के दिन सब ज़ाहिर हो जाएगा, क़यामत के दिन कोई राज नहीं रह जाएगा। दुनिया में राज है, अल्लाह ताला का करम है और उसका एहसान है कि हमारे दिल के अंदर क्या है हमारा भाई नहीं जानता, हमारा साथी दोस्त नहीं जानता, हमारी बीवी नहीं जानती, हमारे भाई बहन नहीं जानते, कोई नहीं जानता हमारे दिल के अंदर क्या, लेकिन क़यामत के दिन सब राज उगल दिया जाएगा। यौम तुबला सराइर, जिस दिन सारे राजों को बाहर कर दिया जाएगा, खलास कोई राज नहीं रह जाएगा क़यामत के दिन। जी हाँ, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। यौम इज़्ज़िन तुअरदून अला तख्फा मिनकुम खाफिया,
कोई चीज़ मख्फी नहीं रहेगी क़यामत के दिन, सब हाजिर हो जाएगा। हमारी बदआमालियाँ, हमारे दिलों के अंदर जो कुछ भी है किसी के ख़िलाफ़ कीना कपट, निफाक, बदअक़ीदगी, सारी चीज़ें क़यामत के दिन ज़ाहिर हो जाएंगी। जैसे हम आपके सामने बात कर रहे हैं, आपको ज़ाहिर हो रही सारी बातें, ऐसे सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा, कोई चीज़ राज नहीं रह जाएगी क़यामत के दिन। ये तो दुनिया में अल्लाह ताला के एहसान है कि हमारे बदआमालियाँ दूसरों पर मख्फी हैं। हमारे एक शेख थे, यहाँ पर काजी थे, वो कहा करते थे, ये बात हमेशा याद रहती है मुझे, कि अगर हमारे गुनाहों के अंदर भी क्या नाम है बदबू होती, हमारे गुनाहों के अंदर बदबू होती तो कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के सामने खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन अल्लाह ने हमारे गुनाहों के अंदर बदबू नहीं रखा है। अगर बदबू होती तो सब जान जाते कि इंसान ने गुनाह किया है। जैसे इंसान अगर किसी के सामने जाता है तो बदबू आती है तो मालूम हो जाता ना, मान लीजिए हवा खारिज हो गई या इस तरीके से पैखाने की बदबू है और दीगर चीज़ें हैं, तो इंसान को मालूम हो जाता है। ऐसे अगर गुनाहों के अंदर भी बदबू होती तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के सामने खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह सतीर है, छुपाने वाला है अय्यूब को, बदआमालियों को। लेकिन क़यामत के दिन चूँकि दुनिया दारुल अमल है, अल्लाह ताला ढील दे रहा है आपको छुपा करके कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास वक्त है, नमाजों में सोते रहते हो, नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते, या तुम्हारे दिलों के अंदर जो बदअक़ीदगी है दुनिया में अल्लाह ने छुपा रखा, अभी मैं अल्लाह ताला मौका दे रहा है। अल्लाह ताला हमें इनको छुपा करके मौका दे रहा है ताकि हम अब भी सुधर जाएं, अब भी तौबा कर लें। अल्लाह के दरबार में अल्लाह माफ़ कर देने वाला है। ये दुनिया दारुल अमल है, क़यामत के दिन अमल नहीं होगा, हिसाब व किताब होगा। आज हिसाब व किताब का दिन नहीं है, आप जो कुछ भी कर लो, आज़ाद हैं आप, हम भी आज़ाद हैं, हर इंसान आज़ाद, जो चाहे कर ले, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। अगर रियाकारी है तो अल्लाह को धोखा नहीं सकते, लंबी दाढ़ी से हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, हमारे कपड़े टखनों से ऊपर हैं किसी को धोखा नहीं दे सकते, दुनिया को धोखा दे सकते, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। क़यामत के दिन कि लंबी दाढ़ी दुनिया कहती है बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है, हम जानते हैं अपने बारे में हम कितने गुनहगार, हर इंसान जानता है कितना गुनहगार है। दुनिया को हम धोखा दे सकते, अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकते। कोई मुगालते में ना रहिए कि हमारी लंबी दाढ़ी है, दुनिया में हमारे ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, कोई नहीं जानता कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं रोज़ा नहीं रखता, हमारे दिल के अंदर क्या है। दुनिया को हम धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह ताला जानता है हमारे दिलों के अंदर क्या है, और क़यामत के दिन सब वाज़े कर दिया जाए, पूरा रजिस्टर सबके सामने खोल दिया जाएगा, खलास, कोई चीज़ मख्फी नहीं रह जाएगी, सब कुछ वाज़े हो जाएगा क़यामत के दिन। यौम इज़्न तुअरज़ून ला तख़्फ़ा मिन्हु ख़ाफ़िया, जिस दिन तुम पेश किए जाओगे अल्लाह के दरबार में कोई चीज़ मख्फी नहीं रह जाएगी, कोई बदअमली, कोई नेकी, कोई चीज़ मख्फी नहीं रह जाएगी, सब कुछ क़यामत के दिन वाज़े हो जाएगा। ज़मीन गवाही देगी, हमारे हाथ पाँव गवाही देंगे, सब कुछ, ज़बान पर ताला लग जाएगा, ज़बान नहीं बोलेगी क़यामत के दिन, हमारे दीगर आज़ा और जवारे क़यामत के दिन बोलेंगे कि अब भी हमारे लिए वक्त नहीं आया है कि हम तौबा करें, बदआमालियों से तौबा करें। अल्लाह ताला माफ़ कर देने वाला दारुल अमल है। क़यामत के दिन कहेगी अल्लाह ताला हमें दुनिया के अंदर भेज दे दोबारा, नहीं, अब दोबारा दुनिया में आने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ने उम्र दे दी इतनी, नज़ीर आ गया, बात आ गई, डराने वाला बात आ गया, तुम्हारे तक बात पहुंच गई, सब कुछ, लेकिन तुमने नसीहत नहीं हासिल की। अब क़यामत, जब दुनिया में नसीहत नहीं हासिल किए तो अब दुनिया ख़त्म हो गई, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी दोबारा दुनिया कायम नहीं की जाएगी, ख़त्म हो गई दुनिया, खलास, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो मौका है, इस मौके को इंसान गनीमत जाने और अल्लाह ताला के अज़ाब और अल्लाह ताला की पकड़ से डरे और खौफ करे, कि हम समझते हैं कि बहुत नेक हैं, बहुत दीनदार हैं, नहीं, अल्लाह ताला को सब मालूम। बलिल इंसान वाला नफ्से ही बसीरा, हर इंसान अपने बारे में ज़्यादा जानकार है कि इंसान कहाँ खड़ा है, कितनी नेकियाँ करता है, कितना गुनाह करता है, हर इंसान अपने बारे में ज़्यादा जानता है। हम धोखा खा सकते हैं किसी की दाढ़ी से, उसके इल्म से, उसके तकवा से, ज़ाहरी तौर पर उसके दर्स देने से या उसके कपड़े टखने से ऊपर, उससे हम धोखा खा सकते हैं। दवा सेंटर में रहता है, धोखा खा सकते, दवा सेंटर वाले बड़े अच्छे लोग होंगे, धोखा खा सकते हैं आप, या मस्जिदों में देख करके धोखा खा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को कोई धोखा नहीं दे सकता मेरे भाई, कोई धोखा नहीं दे सकता। जी हाँ।
इसलिए अल्लाह फरमाते कुल ए मनु जो कितना करो, तुम्हारे लिए छूट है दुनिया के अंदर, करो जो करना है तुमको, नेकी करो, बुराई करो, जनाकारी करो, झूठ बोलो, रिश्वत लो, सूद खाओ, शिर्क करो, बिदात खुराफात करो, जो कुछ भी करना करो, तुम सब आज़ाद दुनिया के अंदर। दारुल अमल है ये, नेकी का भी घर है ये, बुराई का भी घर है ये, दोनों आप चाहो उसको नेकी घर बना दो, चाहो उसे बुराई का घर बना दो, आज़ाद हो, जो चाहो जो करो, कोई कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन खलास किसी के पास कोई उज़्र और कोई बहाना नहीं रहेगा। जी हाँ, कब किसकी मौत आ जाए किसी को नहीं मालूम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को गरचे मुनाफिकीन के बारे में नाजिल किया, लेकिन इसमें हमारे लिए भी इबरत और नसीहत है। अल्लाह ताला सारे अमल को हाजिर कर देगा क़यामत के दिन। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, जो सीनों के अंदर है सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी क़यामत के दिन, राज नहीं, दुनिया में राज है, आखिरत के अंदर कोई राज नहीं रहेगा। तो ये सात आयतें मुसन्निफ़ ने यहाँ पर पेश की हैं, इन सातों आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत समा सुनने की और देखने की साबित होती है। और भी दीगर आयात हैं और बहुत सारी अहादीस हैं, इससे पहले भी वक्तन फवक्तन हदीसें बयान की जाती रही हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर अकीदे को पुख्ता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे अंदर यकीन पैदा करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर शर से, हर बुराई से महफूज रखे, अल्लाह हमें अपने दीन पर कायम रखे, इखलास अदा करे, और अल्लाह ताला रियाकारी से, बदअमली से, हर बुरे गुनाह से, हर बुरी चीज़ से और हर गुनाह से अल्लाह ताला हम सबको दूर रखे। आमीन। वसल्लम अला मोहम्मद वाला आलिही व सहबिह अजमईन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।